चलें जी जो पहले आगे मैं आप सबको कह दूं बड़ी मुबारक हो। थैंक यू सर। जा रहे हैं तैयार जी। चलें जी जो पहले आगे पहले तो मेरी गुजारिश दोनों हजरात से ये है कि आप इकोनॉमी पे बात ना किया करें। ये तो ऐसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो लिबरलिज्म के ऊपर लेक्चर दे या टॉलरेंस के ऊपर लेक्चर दे। आप इकोनॉमी का पता ही नहीं आपको कुछ, और आपने उसके ऊपर कह रहे हैं कि मईशत फलां तबाह हो गई या फलां तबाह हो गई। बड़ी सिंपल बात है, अगर आप मईशत जो थी वो जिस तरह से चल रही थी उस वक्त भी लोगों को पता है, और ये जो 7-8 महीने में मईशत के साथ हुआ है ये भी लोगों को पता है। और ये लेक्चर ना दें हमें कि क्या कैसा चल रहा था या क्या हो रहा था। आपने आके 7-8 महीने में जो पाकिस्तान की मईशत के साथ खिलवाड़ किया, जिस तरीके से पाकिस्तान जो एक 6% के ऊपर तरक्की करने वाला मुल्क था उसको आपने बैंकरप्सी के दहाने पर लगा दिया। और ये बात एक सुनने के लिए करने के लिए हमारी तनकीद तो होगी, आपके अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार, उनकी आपस की गुफ्तगू सुन लें, आपको पता चल जाएगा कि इकॉनमी के साथ ये खलवाड़ किसने किया है। सो इसलिए पाकिस्तान को आज जिस हालत में पहुंचाया गया है उसमें ऑपरेशन रजीम चेंज के किरदारों का बहुत अहम किरदार है, और कौम कभी माफ नहीं करेगी जिस तरीके से पाकिस्तान को इन्होंने डिस्टेबलाइज किया, अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। आज आप देखें कि दहशतगर्दी हमारे कैपिटल में, हमारे दारुल खिलाफा में पहुंच गई, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हम इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल कर चुके हैं पाकिस्तान में। पीटीआई के दौर में पाकिस्तान में टेररिज्म के केसेस तकरीबन ना होने के बराबर रह गए थे, और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरीके से बिगड़ी और अब और बिगड़ रही है, उसमें जिस कदर ला ताल्लुकी पाकिस्तान की हुकूमत ने जाहिर की इस रजीम चेंज के बाद, उसकी वजह से पाकिस्तान एक कदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अब अफगानिस्तान में मामलात हो रहे हैं और अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, इसकी बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तान को देनी पड़ सकती है। और हमने वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं